अभी जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आ रहा है उसमें बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन भी देना जरूरी है? नहीं, हमारे पास एडुटेक एकेडमी के अंदर हमने जब बच्चा क्लास में है, हमने 11th ऑफ अप्रैल से क्लास स्टार्ट किया, 11th ऑफ अप्रैल से लेकर हमने पूरा अप्रैल का मंथ सिर्फ बच्चों को बेसिक ही पढ़ाया। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ साइना डोकरे और हमारे एकेडमी का नाम है एजुटेक एकेडमी। आपके पास कौन कौन से बच्चों को ट्यूशन दिया जाता है, कौन कौन सी क्लास में? एक्चुअली एजुटेक एकेडमी ये क्लास 5th to 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है, जिसमें ऑल बोर्ड्स हम ले रहे हैं, स्टेट बोर्ड है, CBSE है और रेगुलर बोर्ड्स के साथ फाउंडेशंस भी पढ़ाया जा रहा है। सर, इसमें कौन कौन से मीडियम के बच्चे आते हैं आपके पास? सर, सारे मीडियम्स के ऑलमोस्ट बोल सकते हो आप। अभी जैसे कि स्टेट बोर्ड है तो उसमें सेमी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम दोनों भी है, CBSE का इंग्लिश मीडियम की बोर्ड ले रहे हैं और रेगुलर बोर्ड्स अगेन वही फाउंडेशन दोनों भी उसमें एक ही साथ पढ़ाया जा रहा है। आपके स्टाफ में कौन कौन से टीचर हैं सर? अभी हमारे पास सर सारे बच्चों के लिए 9th-10th के लिए ऑल सब्जेक्ट्स हम लोग कंडक्ट करते हैं, तो सब्जेक्ट्स वाइज टीचर्स है ही है, साथ में कुछ फाउंडेशन के टीचर्स का भी टीम वहाँ पर है। एक्चुअली सर एडुटेक एकेडमी एक आप ऐसा बोल सकते हो कि हमारा विजन है और बेसिकली फ्रॉम लास्ट 13 इयर्स मैं खुद सोशल साइंस का टीचर हूँ, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के लिए फ्रॉम लास्ट हमने 13 साल से मैंने काम किया है। कुछ स्टाफ मेंबर्स है हमारे, जो अकबर सर है जो को फाउंडर है, उन्होंने भी वैसा ही किया है। तो एक्चुअली हमारा ये एक सपना था कि अभी जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आ रहा है उसमें बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन भी देना जरूरी है, तो एडुटेक एकेडमी एक ऐसा एकेडमी है कि वो एजुकेशन के साथ साथ कुछ टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज जो भी रहेंगे वो भी प्रोवाइड करेगा। सर, आपके पास ट्यूशन में बॉयज भी आते हैं और गर्ल्स भी आते हैं? जी सर, दोनों भी यहाँ पर है, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए भी है। सर, आप मुझे एक बात बताइए, औरंगाबाद शहर के अंदर काफी कोचिंग क्लासेस है, आपके पास ही बच्चे ने क्यों एडमिशन लेना चाहिए? आप उनसे हटके, दूसरे कोचिंग क्लास से हटकर आपके पास ऐसे क्या सिखा रहे बच्चों के लिए? जी सर, अभी अगर आपने हमारा इंस्टीट्यूट का नाम देखा होगा तो वो एजुटेक एकेडमी है। एजुटेक ये वर्ड ऐसा बनता है एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो अभी अगर आप देखोगे न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो अनाउंस किया गया है उसमें एजुकेशन में कुछ चेंजेस लाया जा रहा है और उसमें खास करके जो फ्यूचर के टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज है उसको भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सो डेफिनेटली वी विल बी द फर्स्ट कि जो टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज कोचिंग इंस्टीट्यूट में लेके आ रहा है, जून एंड तक हम ये टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज लॉन्च कर देंगे जिसमें 5th से लेकर 10th स्टैंडर्ड का बच्चा इन टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज का फायदा ले सकता है, उसे सीख सकता है और डेफिनेटली अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। आपके पास में दूसरे भी स्टूडेंट एडमिशन के लिए आए तो आप उनको यहाँ का पता और आपके इंस्टीट्यूट का नाम बताइए। जी बिल्कुल सर, औरंगाबाद में अपने 2 सेंटर्स हैं, एक है निराला बाजार और दूसरा है हड़को। ये दोनों भी सेंटर्स का लोकेशंस आपको गूगल पे मिल जाएगा, यू जस्ट टाइप एडुटेक एकेडमी औरंगाबाद। निराला बाजार का एड्रेस अगर आपको चाहिए तो निराला बाजार में मोतीवाला कॉम्प्लेक्स के इन फ्रंट वहां पर पुष्पाई बिल्डिंग 3rd फ्लोर पे अपना निराला बाजार का सेंटर है। हड़को में आप N12 हड़को में देख सकते हो, नियरेस्ट टू सत्य विष्णु हॉस्पिटल या गोदावरी हाई स्कूल के पास में। सर, निराला बाजार का जो बताया आपने और हड़को का बताया, तो निराला बाजार पे कौन से सर है और हड़को पे कौन से सर? दोनों भी सर हम लोग मैनेज करते हैं, दोनों भी सेंटर्स अपनी एडुटेक एकेडमी के अंडर काम करते हैं और दोनों भी तरफ पढ़ाने वाले टीचर्स सेम ही है। वहां पे सर सर का नाम वगैरह है, कांटेक्ट करें किसी वहां का नंबर वगैरह? जी बिल्कुल सर, आपको बाद में इसके एंड में ही दोनों भी मिल जाएगा, दोनों सेंटर्स के नंबर वहां पर दिए गए हैं। तो वहां आप अगर देखे जाएंगे तो प्रिया देव मैम है जो वहां पर सेंटर संभालते हैं, सेंटर को मैनेज करते हैं सारी चीजें। शहर में बहुत से इंस्टीट्यूट है सर, और आपका भी इंस्टीट्यूट यहाँ पर है तो बहुत से लोगों को उसका एड्रेस मालूम नहीं होता, तो यहाँ का पूरा एड्रेस बता दीजिए। जी सर, हड़को का बोल सकते हैं, हड़को का आप एड्रेस अगर देखना होगा तो हम लोग टॉडलर टाउन प्रीमाइसेस स्कूल यूज करते हैं जो कि N12 हड़को में है, नियरेस्ट टू सत्य विष्णु हॉस्पिटल। सर,
मेरा नंबर है 9168444999 और ऑफिस का नंबर दोनों भी मिल जाएगा। और जो कोरोना की वजह से 2 साल का बच्चों को पढ़ाई का नुकसान हुआ, तो आप उसकी भरपाई कैसे करेंगे और आप क्या पढ़ाते हैं बच्चों को बताएं? मैं मोहम्मद अकबर अंसारी एडुटेक एकेडमी में को-फाउंडर हूँ और साथ ही साथ मैथमेटिक्स का फैकल्टी भी हूँ। यहाँ पर स्टेट बोर्ड CBSE दोनों को 9th 10th को मैथ्स में ही पढ़ाता हूँ। कोरोना में जो बच्चों का प्रॉब्लम हुआ है मैथमेटिक्स में जनरली, इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जैसे पर्टिकुलरली अगर 10th स्टैंडर्ड की आप बात कर रहे हो तो 10th स्टैंडर्ड में इसका सारा की सारा बेसिक 8th और 9th के अंदर है। तो बच्चे जब 10th में आ रहा है और कोरोना की वजह से उसका 8th और 9th नहीं हुआ, तो उसका बेसिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ है। तो हमने, हमारे पास एडुटेक एकेडमी के अंदर, हमने जब बच्चा क्लास में है, हमने 11th ऑफ अप्रैल से क्लास स्टार्ट किया, 11th ऑफ अप्रैल से लेकर हमने पूरा अप्रैल का मंथ सिर्फ बच्चों को बेसिक ही पढ़ाया, जो 5th 6th 7th और 8th के अंदर बच्चों ने मिस कर दिया था वो बेसिक को कवर किया। और उसके बाद हमने रेगुलर सिलेबस इनका 5th ऑफ मई से स्टार्ट किया, पहले शुरू बेसिक पर ही इनका काम किया। और अभी जो हमारे क्लास के बच्चों की कंडीशन है, मैथ्स का बेसिक इनका पर्टिकुलरली सबका क्लियर हो गया, किसी को ये प्रॉब्लम नहीं आया कि कोरोना की वजह से जो इनमें प्रॉब्लम्स आए थे, जो मैथ्स में प्रॉब्लम्स आए थे, वो सारे के सारे हमने क्लियर कर कर ही 10th का सिलेबस स्टार्ट किया है। अब सर ट्यूशन की टाइमिंग वगैरह क्या है उस बारे में? हम लोगों के पास जनरली 2 आवर्स का सेशन होता है डेली। वेनसडे के दिन हम लोग ऑफ देते हैं और संडे के दिन हम 6 आवर्स का शेड्यूल लेते हैं। तो हर एक बैच का टाइम अलग है। 10th CBSE का टाइमिंग 4:30 से 6:30 होता है, 9th CBSE का 6:30 से 8:30 होता है। स्टेट बोर्ड की बात करेंगे तो 10th स्टेट बोर्ड हमारे पास 3:30 से 5:30 तक है और 9th स्टेट बोर्ड 5:30 से 7:30 तक है। और साथ में अभी हम लोगों ने जस्ट 2 दिन पहले ही 7th और 8th लॉन्च किया है, जो अभी हम 4:00 to 5:30 हम लोग अभी क्लास ले रहे हैं बेसिक के लिए। बाद में इनके क्लास का टाइमिंग 2 आवर्स हो जाएगा और 2 आवर्स में हम 1 आवर्स इनको सिलेबस देंगे और रिमेनिंग 1 आवर में हम इनको फाउंडेशन कराएंगे, जो आगे जाकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम में आने वाला है। अकबर सर, चलते चलते एक सवाल है आपसे कि उर्दू मीडियम के जो बच्चे होते हैं तो उनको थोड़ी परेशानी होती है ट्यूशन की, तो उसकी सुविधा है क्या आपके पास? जी बिल्कुल, इवन मैं भी उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। मेरा 10th स्टैंडर्ड तक एजुकेशन उर्दू मीडियम से हुआ, बाद में 11th 12th में मैं इंग्लिश मीडियम से आया हूँ। तो मुझे पता है कि उर्दू में भी, जैसे मैथमेटिक्स के अंदर उर्दू में जो इंग्लिश में वर्ड्स है तो उनको उर्दू में क्या कहते हैं वो मुझे पता है। तो बच्चे जो पर्टिकुलरली सेमी इंग्लिश मीडियम से हमारे पास है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट है अभी हमारे पास जो 9th स्टैंडर्ड में, 8th तक उन्होंने उर्दू मीडियम से थे लेकिन 9th में उनके पेरेंट्स ने उनको सेमी इंग्लिश में डाल दिया, तो उस वजह से भी उनको जो प्रॉब्लम्स है, जो वर्ड्स उनको नहीं पता है, वो मैं खुद उनको बताता हूं कि देखो उर्दू में आप ये कहते थे, आज आप ये कह रहे हैं। जैसे आप देखोगे उर्दू में मुतवाज़िउल अज़ला कहते थे, यहां पर हम उसको पैरेलोग्राम कहते हैं। तो ये सारी चीजें, जैसे क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्ला से हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो ये जो वर्ड्स है उर्दू के, तो मैं बच्चों को उर्दू में बताता हूं कि इन वर्ड्स को उर्दू में कहते हैं बोलकर, जो इंग्लिश में उन्होंने भी पढ़ रहे हैं।